कडलिंग क्या होता है और दो लोगों के बीच में उनके रिलेशनशिप में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। कडलिंग का मतलब होता है बाहों का घेरा, जिसे हम जनरली हग कह देते हैं, जो अक्सर हम लोग जान पहचान के लोगों के साथ, जो परिचित लोग हैं उनके साथ करना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग जो कि थोड़ा सा दिल के करीब होते हैं, क्लोजनेस उनसे ज़्यादा होती है, वो बेड वाला जो रिश्ता होता है उनके साथ भी करना पसंद करते हैं, बस तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं खुलकर अब बात करने वाली हूँ कि कडल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी रिलेशनशिप में और सेक्स पोजिशन में आपके द्वारा बाहों का घेरे बनाने का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी के साथ आपका कडल कैसा हो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता कैसा है। हर किसी का कंफर्ट लेवल, उसकी बाउंड्रीज अलग अलग होती है। आपका किया गया कडल उसे कंफर्ट जोन में भी पहुंचा सकता है, तो उसे डिसकंफर्ट भी कर सकता है। तो पहले अपने रिश्ते को पहचानिए कि आपके साथ उसका रिश्ता कैसा है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने रिश्ते की जब शुरुआत होती है तो लड़का जो होता है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपनी पार्टनर को इस लेवल पे सेक्सुअल कडल कर देता है कि वो डिस्कम्फर्ट जोन में चली जाती है और अगले टाइम रिलेशनशिप खत्म। फिर बाद में वो जितना मर्जी समझाता रह जा उसे कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगी और आपको अच्छे से समझा भी देगी, क्योंकि आपका रिलेशन अभी इतना पुराना नहीं हुआ, कुछ दिन हुआ और आपने इस तरीके से उसे कडल कर लिया और उसको थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस कराया। एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती है, आपके मूड को भी दर्शाती है, आपके सोच को भी एक्सप्रेस करती है। सही टाइम पे सही बॉडी लैंग्वेज का यूज करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो रिश्ता है वो जाने अनजाने खराब हो ही जाता है। बात चाहे मैरिड कपल की हो या अनमैरिड कपल की, बाहों के घेरे में ये जो रिश्ता होता है दो लोगों का परवान चढ़ता है, एक दूसरे को क्लोज लेकर आता है, जरूरतों को दर्शाता है और सुरक्षा का भाव किसी फीमेल के अंदर पैदा करता है और यही भाव आगे जाके सेक्स तक लेकर जाने में उन दोनों को मदद करता है। सेक्स पोजिशन के दौरान इस कडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर अगर मैं मिशनरी पोजिशन की बात करूँ तो इस पोजिशन में किसी फीमेल को सबसे ज्यादा मजा उसी वक्त ही आता है जब वो बेड पर लेटी हुई होती है और जो मेल पार्टनर ऊपर से आता है और उसे अपनी तरफ हाथों का घेरा बना के उसे अपनी तरफ खींचती है और पैरों का कडलिंग करती है। तो ये जो पैरों और हाथों की जो कडलिंग होती है ये किसी फीमेल को बहुत ज्यादा क्लोजनेस महसूस कराती है, सबसे ज्यादा उसे इंटीमेसी इसी दौरान ही महसूस होती है और इसी दौरान कोई फीमेल सबसे ज्यादा अपने आप को ढीला छोड़ती है कि भाई कमांड तो तू संभाल, मैं तो बस अपने हाथों से और अपने पैरों से तुझे लिपट कर रहूंगी। है दूसरी पोजीशन होती है लोटस पोजीशन, जिसमें दो लोग कडलिंग करते हुए सेक्स का लुत्फ उठाते हैं। अब इस पोजीशन में भले वो इन आउट का पूरा मजा उठाए या ना उठाए, लेकिन जो एक फिजिकल इंटीमेसी होती है दो लोगों के बीच में, जो क्लोजनेस होती है, उसका वो खासा मजा उठाते हैं, क्योंकि हाथों से भी खुद को जकड़ा हुआ होता है और बैठी हुई पोजीशन में पैरों से पैरों को भी लिपटा हुआ होता है। तो ये वाला जो मूवमेंट होता है, ये जो पल होते हैं, ये उनके लिए खास यादगार बन जाते हैं। वो जो हग का जो मूवमेंट होता है वो बड़ा इंजॉयबल होता है दो कपल के लिए, खासकर वो जो कि लव अफेक्शन से भरे पड़े हैं। अब कितनी ऐसी पोजीशन होती है जो किसी फीमेल के लिए कंफर्टेबल साबित नहीं होती, खासकर जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है, खड़े खड़े जो सेक्स होता है वो किसी फीमेल के लिए, हर फीमेल के लिए कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन ये उसके मेल पार्टनर का जो हग करने का तरीका होता है, जो उसको सुरक्षा का भाव पैदा करता है, जिस तरह से वो उसे कडल करता है, उसे कंफर्टेबल जोन में ले आता है। आफ्टरऑल जो पानी ऊपर से गिरता है और जो हाथों की जो गर्माहट होती है जिससे उसने उसको होल्ड कर रखा होता है, यही तो पानी में आग लगाती है। वो कोई माचिस की तिल्ली लेके थोड़ी ना बाथरूम में घुसा हुआ है कि आग लगेगी। जो दो जिस्मों की गर्मी और वो जो हग करने का जो तरीका होता है, यही तो आग लगाता है उस टिप्पर से पानी में। स्पून पोजीशन, वो जो बिग स्पून पोजीशन मैंने पिछले भी वीडियो में बात करी थी इसके बारे में, इसमें भी सारा खेल हगिंग का ही तो है। चाहे पैरों से पैरों की हगिंग हो या हाथों से हाथों की हगिंग हो, मूड बन ही जाएगा। आप हक करके उसे लेटे हुए पूरा वो चिपका के जैसे चम्मच से चम्मच चिपक जाती है और पूरा हक करके ऐसे अपने अंदर जकड़ के लेटे हुए हो, वहाँ वो ऊपर से भी परेशान और नीचे से भी परेशान, यार पैरों से भी जकड़ लिया, हाथों से भी जकड़ लिया, आप कर लो जो करना है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जिसमें जो हगिंग का तरीका होता है, ये बहुत कुछ बयां करता है, मूड भी बनाने में मदद करता है। सेक्स की पहली शुरुआत का पहला एक्सप्रेशन कडल ही होता है और जब आपका पार्टनर आपको हग करते हुए किस करना शुरू करता है तो ये आपके अंदर रोमांस की ज्वाला को भड़काता है और वो रोमांस आगे जाके आपको सेक्स की तरफ मोल्ड करता है और आप बेड का रुख करते हैं।
अब इस हगिंग और कडलिंग को ना आप सिर्फ रोमांस और बैड एक्टिविटीज तक ही सीमित मत समझिए, इसका आपकी निजी लाइफ में आपके रिश्ते को सींचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपके पार्टनर का मूड खराब है, ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, बहस हो गई बॉस से या किसी से, अनबन हो गई कलीग से और टेंशन से भरा बैठा है, तो उस वक्त आप उसे प्यारा सा हग करके, साथ में चाय का कप ले जाओ, प्यारा सा हग करके उसकी टेंशन रिलीज कर सकते हो। सर के दर्द की दवा जो आपका प्यारा सा हग कर सकता है ना, उस वक्त दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं कर सकती, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं, चाय के कप के साथ दवाई ला के रख देंगे, ये लो सर में दर्द हो रहा तो दवाई ले लो। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, एक दूसरे के मुंह में भी देंगे और चार लोगों के मुंह में भी देंगे, लेकिन हग नहीं करेंगे एक दूसरे को। कभी ये सोच के कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कभी ये सोच के यार लोग क्या कहेंगे। तो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होती हैं कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है उसे मजबूत करने का काम करता है। ये टॉनिक है आपके रिलेशनशिप का, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का। जो अभी जो कडलिंग और जो हग का कॉन्सेप्ट है, ये किसी मियां बीवी के रिश्ते के लिए थोड़ी ना बना है कि यार हाँ हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो ही कडल करें, उनके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। बल्कि और भी जो रिश्ते हैं, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटे या बेटी का रिश्ता हो, यार दोस्त के बीच में दोस्ती हो, उनके बीच में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह आपके रिश्ते को और ज्यादा गहरा, मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, अब मेरा लड़का 20-22 साल का हो गया, अब भी इसे गले लगाता फिरूंगा, उसे ऐसे गोदी में बिठाता फिरूंगा, उसे हक करता फिरूंगा। अरे तभी तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, आपके उस हग की, आपके लव एंड सपोर्ट की, कि जवानी में कदम रख रहा है वो, जिस उम्र से आप गुजरे हो उस उम्र में वो कदम रख रहा है। हर तरह के चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ेगा, फेलियर भी देखने पड़ेंगे, दिक्कतें आएंगी। कभी सीने से लगा कर उसे हग करके बोल कर तो देखो कि टेंशन मतलब तेरा बाप खड़ा तेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। देखो इस 20 साल के लड़के का कैसा सीना फूल कर छोड़ा होता है, उसे कैसी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि वो जाके किसी लड़की को छेड़ कर आ रहा है और चोरी कर कर आ रहा है, आप बोल रहे हो उसे हक करके शाबाश, जो होगा देखा जाएगा। एक माँ अपनी बेटी को हक करते हुए बोले तू टेंशन ना ले, सब बढ़िया होगा, ये वाली जो कडलिंग जो असर करती है ना, ये दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। तो ये जो कडल का मीनिंग है ना, ये हर रिश्ते में रिश्ते के हिसाब से अपना स्वरूप बदल देता है और आपके रिश्ते को मजबूती देता है। अगर अपने रिश्ते को आपको मजबूत करना है, वो बॉन्ड, वो इंटीमेसी उसमें बनाए रखनी है, इनफैक्ट उसका लेवल अप करना है, तो कडल शुरू करो करना। इंतजार मत करो कि हाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर मूवमेंट आएगा, ऐसा कोई टाइम आएगा कि मैं उसको हक करूंगा जाके, अभी से ही हक करना शुरू करो। चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, अपने बर्थडे एनिवर्सरी का भी वेट मत करो, हक करो यार, वी आर ह्यूमन बीइंग। किसी राह चलते आने जाने वाले को तो हक करने के लिए नहीं बोल रही ना, कर भी नहीं सकते, करोगे तो थप्पड़ खाओगे। तो उन्हें ही कडल किया जाता है जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं। तो करो, यह आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेगा और इसके आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कि कडलिंग क्या होती है और इसके क्या फायदे होते हैं और ये कैसे आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप को मजबूत करता है, सेक्स पोजीशन में इसका क्या रोल होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि इन्फॉर्मेशन कैसा लगा।